नमस्कार, मैं आचार्य संजय टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी यूट्यूब चैनल से स्वागत करता हूं आप सबका। इसमें अभी रोग के कारक कौन कौन से, रोग के कारक कौन सा ग्रह है, तो अभी बात सूर्य का कर चुके हैं। अब अगला वीडियो में चंद्रमा किस किस रोग का कारक है, अगर इस समय आपको कोई रोग हुआ है तो उस वो किस ग्रह के कारण ये रोग हो रहे हैं। चंद्रमा स्वाभाविक शीतल है और ये पक्षबली और पक्ष के अनुसार और उसका स्थिति के अनुसार ये शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। चंद्रमा स्वाभाविक जल का भी कारक है, तो चंद्रमा से सबसे पहला बात का रोग, श्लेष्मा जनित रोग, ठंडा सर्दी जनित रोग और मुंह में ये चंद्रबदनी चंद्रमुख के ऊपर जो भी रोग बीमारी अगर किसी को दिख रहे हैं, मुंह खराब बन रहा है, तो समझिए कि चंद्र में चंद्र ग्रह का समस्या के कारण ये हो रहा होगा। बात का समस्या चल रहा है तो सोचिए कि अभी जैसे मकर राशि वालों का अभी शनिदेव गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा मकर राशि में जब शनिदेव का गोचर हो रहा है तो कई सारे मकर वालों का और इस समय कुंभ वालों का भी फोन आ रहा है कि ऐसा दर्द दे रहा है, बात का समस्या दिखाई दे रहा है, तो बात रोग का और गले का रोग, गलगंट जिसको कहा जाता है, गंडमाल रोग और सूल होना, इस प्रकार के रोग चंद्र इसके कारक हैं। और आमाशय जनित विकार, आमाशय जनित रोग भी ये चंद्रमा देते हैं। जल दोष, जल जनित जो भी रोग हैं, जल उदरी से लेके जल के शरीर पे कमना बढ़ना तक, ये चंद्रमा का कारण बनता है। कुछ क्षेत्र पे मूत्राशय जनित रोग भी व्यक्ति को मिलता है और पाक्षिक जर मतलब पर्टिकुलरली उसको ऐसा कहा जाता है कि भिन्न भिन्न, जैसे एक बार बुखार खत्म हुआ, बुखार शुरू हो गया तो एक पक्ष तक, किसी का 7 दिन तक, किसी का 5 दिन तक, इस प्रकार का जो बुखार चलते हैं, तो ये भी चंद्रमा का ही चंद्रमा ही इसी के कारक हैं। और चंद्रमा नेत्र का भी कारक है, तो नेत्रजनित पीड़ा में और साथ में जो कालपुरुष का कुंडली है, चंद्रमा जहाँ बैठे हैं और कहीं से पीड़ित हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं, तो उस जनित रोग आपको देंगे। साथ में चंद्रमा मन का भी कारक है, तो चंद्रमा अगर पीड़ित हो रहा है, पाप प्रभावित हो रहे हैं, पाप ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं या पाप कर्तरी में फंस रहे हैं या केमद्रुम लग रहा है, चंद्रमा अकेले चल रहे हैं, तो भी मानसिक जनित रोग का भी कारक चंद्रमा ही बनते हैं। तो उसी हिसाब में जो जो प्लैनेट कुंडली पे जहाँ जहाँ बैठे हैं, कालपुरुष के कुंडली पे चंद्रमा अगर लग्न पे बैठा है, चंद्रमा द्वादश में बैठा है, चंद्रमा द्वितीय स्थान पे बैठे हैं, चंद्राष्टम हो गया है, अष्टम में बैठे हैं, षष्ठम स्थान में बैठे हैं, तो शरीर के जो जो अंग आते हैं, जैसे लग्न पे होने से चंद्रमा सर पे आ गए, द्वितीय स्थान पे होने से कंठ मुख और गला तक आ गए, तृतीय पे आने से ऊपर बाहू में और इसमें आ गए, चतुर्थ में आने से अपर चेस्ट में आ गए, पंचम में होने से पेट में आ गए, षष्ठम में होने से कटिदेश में आ गए, सप्तम पे आने से लिंग द्वार पे, अष्टम पे आने से गुह्य द्वार, गुप्त द्वार, गुप्त अंग पे आ गए, इस प्रकार जो जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा बैठने मात्र से कोई पीड़ित या पीड़ा नहीं पड़ जाएगा, वहाँ रह के चंद्रमा जो गलत फल देना चालू कर रहे हैं या वहाँ पर वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तब आप उस जनित रोग के बारे में कह सकते हैं। और वहाँ रोग हुआ तो आपको समझ में आ गया कि कुंडली पे चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो इस कारण ये रोग हो रहा है, और उसका अगर हम निदान करते हैं, उसका अगर व्यवस्था करते हैं या उसका अगर सही करते हैं, तो हमें रोग से उपशम मिल जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो